देखिए सब छत पे से ईंटा चलाया है लोग, पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ईंटा है, सब ईंटा टूटी ताकि सब साहबू मियाँ और अबुल मियाँ का परिवार और साहबू मियाँ का परिवार, साहबू मियाँ का बेटी, सब कोई, मतलब कि एक घर पे सात आदमी भीड़ कर पूरा ईंटाबाजी कर रहा था लोग। पूरा 11 बजे के लपेट में इसी से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। देखिए वहाँ पे पूरा वहाँ पे छत पर से खड़ा होकर औरत से लेकर मर्दाना तक सब कोई ईंटाबाजी कर रहा था। मेरे करकट पे भी गिरा हुआ है ईंटा, और देखिए यहाँ पर ईंटा के दाग है, गेट पर भी ईंटा के दाग है, और मेरे घर में का करकट है जो करकट पर चलाया है लोग, वो फोड़ दिया है लोग। रुकिए हम वहाँ भी दिखा रहे हैं। देखिए ये मेरे करकट है, घर में करकट है, पूरा ईंटाबाजी करने से मेरे करकट का क्या हाल हुआ है देखिए। सब कोई ईंटाबाजी कर रहा था लोग, और देख रहे हैं ना इतना ईंटा द्वार पे, अभी ऐसा ही हम लोग छोड़े हैं कि पर पंचायत होगा तो हम लोग दिखाएंगे। एक घर पे पूरा 7-8 घर मिलकर हम लोग का हमला किया है 11 बजे रात को, दाव निकाल रहा था लोग। ये घटना गड़खा प्रखंड के जलाल बसंत पंचायत के बंगारी गांव से है, जहां पर बराती में नाचने पर नाचने वाले के घरों पर ईंटा पत्थर बरसाई गई। बताया जा रहा है कि ईंटा पत्थर बरसाने वाले परिवार का नाम साहबुद्दीन है, शायद उनका उन्हीं का परिवार बराती में नाचने पर नाचने वाले के घरों पर ईंटा पत्थर बरसाए हैं। कहीं ना कहीं ये समाज को नोचने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सोचिए कुछ ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो कुछ पैसा धनवान बन जाने के बाद या थोड़ा सा पहुंच बन जाने के बाद एक नियते लोगों पर, गरीब लोगों पर वार करते हैं, बस इस बात को लेकर कि जब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, वो बरात में नाच दिया तो उसके घर पर ईंटा पत्थर चलाया गया। अब आप ही लोग बताइए कहां तक ये न्याय संगत है, और ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनकी पहुंच ज्यादा होती है, और वैसे वैसे लोग ही अपने आप को धन के आर लेकर, पदाधिकारी का आर लेकर निहत लोगों पर वार करते हैं। मेरी आवाज अगर प्रशासन तक जाए ना, तो ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। और जिस प्रकार से सुभाष पत्रकार की हत्या हुई थी और उसके घरों को बुलडेजर से रौंदवा दिया गया, अगर समाज में ऐसी भी घटनाएं हमारी हो रही है ना, बड़े लोग धनवान लोग अगर गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं ना, अत्याचार कर रहे हैं ना, और क्या वहां पर सही क्या सही है क्या गलत है इसकी पता लगाकर वैसे वैसे लोगों के घरों पर भी बुलडेजर चलाई जाए, ताकि उनका हिम्मत टूट जाए और वो किसी के घरों पर बुलडेजर नहीं चलाए। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को तोड़ रही है, और जबकि हमारे पंचायत का मुखिया जी को इससे कोई मतलब नहीं है। गांव समाज में लोग मरे कटे कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है, उनका कोई काम है, उनको तो अपना खाली पॉलिटिक्स भवन में चुपचाप बैठ के रहना है। गांव में लोग मर रहा है, लड़ रहा है, कट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको क्या कहें, दलालों के पास रहना, दलालों के घर जाना, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बताइए ऐसे ऐसे साहबुद्दीन कब तक हमारे समाज को नोचते रहेंगे, कब तक निहत्थे घरों पर वो अत्याचार करते रहेंगे। और समाज में ऐसे बहुत सारी देखी जा रही घटनाएं कि बड़े भाई छोटे भाई जो रिलेशनशिप आपस में लड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ दिए, समाज को नीचे ले जा रही है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ईंटा पत्थर बरसाया गया है। पर भी ईंटा का दाग है, और मेरे घर में का करकट है जो करकट पर चलाया है लोग, वो फोड़ दिया है लोग। रुकिए हम वहाँ भी दिखा रहे हैं। देखिए ये मेरे करकट है, घर में करकट है, पूरा ईंटाबाजी करने से मेरे करकट का क्या हाल हुआ है देखिए। गरीब लोग बड़े मेहनत के बाद करकट का भी घर बनवा पाते हैं, लेकिन देखिए इनके करकट के घर को भी ईंटा पत्थर, वो भी छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर, और पूरा परिवार मिलकर ईंटा पत्थर चला के इनके करकटों को फोड़ दिए हैं। अब बताइए इनका भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा ना, क्योंकि जो कुछ ऐसे लोग बता नहीं, कुछ ऐसे धनवान लोग हैं जो ना धन की आड़ लेकर, पदाधिकारी की आड़ लेकर वो अपने आप को सही साबित दिखाते हैं, जबकि पब्लिक ऐप पर भी एक न्यूज बनाया गया जबकि इसमें अपने आप को सही दिखाया गया कि मैं सही हूं जबकि वो गलत है। नहीं, कहीं ना कहीं अत्याचार और समाज को तोड़ा
तोड़ा जा रहा है, समाज को मतलब सच्चाई को हराया जा रहा है, और इस सब चीज पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब जिस पंचायत का मुखिया मरा है, समझो वो पंचायत कभी विकसित नहीं होगा। घटना से तो कोई मतलब ही नहीं, कोई नहीं है इस घटना के बारे में पूछने के लिए क्या हुआ था, क्या फैसला किया जाए, किसी को पता नहीं है, हो गया। मैंने भी जब इस घटना की सच्चाई के बारे में जाना था, मेरा दिल झकझोर दिया, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी घटनाओं को दिखाना चाहता हूं, और कौन क्या बोलेगा अच्छी तरह से मैं जानता हूं, बोलकर दिखाएं, क्योंकि सब वैसा इंसान नहीं है, हम लोग सब चीज से लड़ना जानते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। और सच्चाई यही है कि गरीबी और गरीब वाले लोगों पर, जो गरीब है उन पर अत्याचार करी जाती है। बस कौन कौन लोग, जो थोड़ा सा दलाली करने लगते हैं किसी का ना, वो लोग बताइए अपने पंचायत के निहत्थे लोगों पर अत्याचार करते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, उनका करकट फूट गया है, अगर परिवार के स्तर पर लग जाती, परिवार मर जाता है, तो इसका भरपाई कौन करता है? ये बेचारे शहाबुद्दीन को कौन समझाए? अपने आप को बड़े समझते होंगे। देखिए सब छत पे सीटा चलाया है लोग, पूरा पत्थर पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ईंटा है, सब ईंटा टूटी, ताकि सब साहबू मियाँ और अभुल मियाँ का परिवार और साहबू मियाँ का परिवार, साहबू मियाँ का बेटी, सब कोई, मतलब कि एक घर पे सात आदमी भीड़ कर पूरा ईंटा बाजी कर रहा था लोग, पूरा 11 बजे के लपेट में। इसी से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। देखिए वहाँ पे पूरा वहाँ पे छत पर से खड़ा होकर औरत से लेकर मर्दाना तक सब कोई ईंटा बाजी कर रहा था। मेरे करकट पे भी गिरा हुआ है ईंटा, और देखिए यहाँ पर ईंटा के दाग है, गेट पर भी ईंटा के दाग है, और मेरे घर में का करकट है जो करकट पर चलाया है लोग। इतना बड़ा बड़ा बताइए ईटा पत्थर बरसाया गया, साला ये घटना है कि क्या है? अगर सोचो इतना ज्यादा ईटा पत्थर बरसाया गया, अगर इसमें से एक ईट अगर परिवार को लग जाती ना, तो ये घटनाएं समझ में आ रही है। बेचारे साहबुद्दीन को भी कहां से कहां भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग है, पैसा है, पैसा फेंक देंगे प्रशासन के पास, सब कैसे बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन लोग पहले आप लोग सुधारिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज को भ्रष्ट करने में सबसे ज्यादा हाथ इस प्रशासन का और ये सिस्टम का है। साला ये जो प्रशासन सिस्टम है, घूस लेना कब बंद करेगी? मेरा अनुमान सरकार से ना, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने प्रशासन पर कार्रवाई करिए, और जो घूस लेता, जो सही काम नहीं करता, वैसे ऐसे प्रशासन को मार के भगाइए, जो सोचिए हमारे समाज को बर्बाद कर। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक प्रशासन नहीं सुधरेगा ना, तब तक ऐसे ऐसे बहुत सारे साहबुद्दीन हमारे पंचायत के लोगों पर ईंटा बरसाते रहेंगे, अत्याचार करते रहेंगे। हालांकि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आ देखो कुछ ऐसे हमारे पंचायत में लोग जो खाली फेंकते हैं कि संजय पत्रकारिता करता, उसको पत्रकारिता करने नहीं आता, वो खाली गाली देता है। पता है क्यों मैं गाली देता हूं? ऐसी ऐसी घटनाओं को देखकर गाली देता हूं। सरद बताइए कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो निहत्थे लोगों पर वार करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी अगर बुड़बक का काम करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ रही है। और पंचायत के भी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यार जग जाओ, कब तक मतलब ऐसे सोए रहोगे? कब तक समाज के लोग समाज पर ही अत्याचार करते रहेंगे? भगत सिंह ने सही कहा था, देश आजाद होने के बाद हमारे देश के ही लोग देश के लोगों को गुलाम बनाकर रखेंगे, और वही आज देखी जा रही है। देश के कुछ चंद धनी मन लोग, दलाल लोग, अधिकारी लोग, वो क्या किए, जनता को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जब मन करता तब अत्याचार करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी, जरा सा अपने प्रशासन पर कार्रवाई करिए। जहां भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जो किसी का घर तोड़ता है, खुद उसका बुलडोजर चलाकर उसका घर तोड़ दिया जाए, और क्या होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी सत्ता आपके हाथों में। तो कम से कम जगिए, और पंचायत के लोग सबसे पहले आप जगिए। बकलोलीपन, गधापन करना बंद करिए, दलालीपन करना बंद करिए, और पंचायत में जहां भी गलत होती है ना, आवाज उठाना शुरू करिए। सिर्फ झूठों का नहीं करना, वो करना, फेंकते चलना, ये सब काम बंद करके अपने समाज के विकास पर फोकस करना शुरू करिए। अगर कोई भी घटनाएं घटती है, तो उसको जाकर देखिए, सॉल्व करिए, ये जरूरी है। लेकिन पत्रकारिता अगर मैसेज फैलाएगा, मैसेज आपको देगा, तो पत्रकार ही गलत हो गया। काहे नाम लिया है, काहे मुखिया जी का नाम लिया, काहे मुखिया जी के दलालों को दलाल बोला है? नहीं बोलेंगे तो क्या, ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोले? साला खाली दलालीपन करना, समाज में इस घटनाएं घटती है, कोई देखने नहीं जाता, कोई पूछने नहीं जाता है। मेरा अनुमान है कि मेरी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी, और इस पंचायत का मुखिया तक पहुंचेगी, वो भी कार्रवाई करना चाहेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग आए और देखे, ये घटना जलाल बसंत पंचायत के बंगारी में है, बंगाली में हुआ है, जहां पर बराती में नाचने पर नाचने वाले के घरों पर कुछ चंद लोगों ने परिवार के साथ मिलकर ईंटा पत्थर बरसाए हैं। और ये कहां तक न्याय संगत है? क्या मैं सत्य के साथ खड़ा हूं? क्योंकि मेरा नारा ही महात्मा गांधी के साथ चलना, हमेशा सत्य का साथ देना है। अगर मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, तो मेरे साथ आए, मिलकर इस पक्ष के प्रति आप कार्रवाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।